इसको देखो भाई, कहाँ जाके बैठ गया भाई, पत्थर के ऊपर और नीचे भाई एकदम खाई है। और भाई ये रिस्क हो सकता है, तो उधर आ जा। तो भाई मेरे साथ भाई, ये भाई किस्मत इतनी तेज है ना इसकी, भाई लाइफ में भाई पहली बार ये बर्फ देखने आया था और इसको लाइव स्नोफॉल मिल गई। और मैं भाई मनाली तक घूम के आया हूँ। मुझे ये देखियो गाइस, बिल्कुल भाई देखो कैसी मुलायम बर्फ है भाई, बिल्कुल ताजी है, अभी हफ्ता पहले ही गिरी होगी ये। तो भाई अभी सांस चढ़ चुका है और देखो रास्ता कैसा भाई, इसे बोलते हैं भाई असली चूड़दार ट्रैक। भाई भाई ऊपर बैठा है, ओहो। गुड मॉर्निंग गाइस, तो वेलकम है आप सबका हमारी न्यू वीडियो में। तो अभी हम खड़े हैं हरिपर धार में। हम यहाँ पर कैसे पहुंचे हैं तो आप सब पिछली वीडियो जाके देख सकते हो, ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा है तो देख सकते हो। और ये सामने ऊपर मंदिर रहा हरिपर धार का, और इधर देख लो भाई कितनी सुनाओ हुई पड़ी है, इधर नीचे देख लो, ये 10 दिन पहले हुई थी तो अभी तक जमी पड़ी है यहाँ पर। और वो सामने ऊपर मंदिर रहा, कल हम दर्शन करके आ चुके थे। और ये मेरे साथ मेरे मामा जी का लड़का। तो आज हम जा रहे हैं चूड़धार ट्रैक करने के लिए, तो देखते हैं जा पाते हैं या नहीं। तो बने रहिए ठीक है हमारे साथ, और वीडियो को बिना स्किप करे देखना। और मैं आपको कमरा अपना रूम दिखा देता हूँ, यहाँ पर हमने 300 रुपये में रूम लिया था। चलिए अंदर आपको रूम दिखाते हैं। तो एक बार आप सब पहले व्यू चेक कर लो यहाँ से, मौसम अभी थोड़ा क्लाउडी है ऊपर, इधर हमें इधर जाना है आज। नीचे तो भाई स्नो हो पड़ी है, और इधर चलते हैं रूम में, आपको रूम दिखाते हैं। तो ये हमारा रूम था, कल रात हमने यहाँ पर लिया था 300 रुपये में। ये हमारा सामान पड़ा है, तो पैकिंग हमारी लगभग हो चुकी है। तो आज निकल रहे हैं चूड़धार के लिए। और ये हमारे साथ सिलेंडर था हमारा, लेकर आए थे इससे भाई, हमें खाना पीना बन गया था हमारा और चाय कॉफ़ी। तो अभी यहाँ पर हम मैगी बना रहे हैं सुबह का ब्रेकफास्ट करके, फिर निकलते हैं आगे। तो हमने मैगी इसमें डाल दी है, अभी 2-4 मिनट में बन जाएगी, भाई बना रहा है। तो भाई का अपनी भाई पैक हो चुकी है ठीक है सामान इस पर, और भाई भाई पानी लेके आ गया। और सामने भाई सूर्य देवता ने हमें दर्शन दे दिया है, और टेम्परेचर अभी चल रहा है यहाँ पर 9 डिग्री के आसपास। तो सामने ही रुके थे हम यहाँ पर होटल में, ये होटल था वो भाई सामने ठीक है, ऊपर मंदिर है, पिछली वीडियो आप जाके देख सकते हो। तो फिर निकलते हैं आगे की ओर, और देख लो इधर भाई यहाँ पर कुछ शो बनी हुई है प्रसाद की, आप ले सकते हो जब आओगे। तो आज हम जा रहे हैं ठीक है चूड़ाधार, तो चले फिर भाई। तो आज के दिन की शुरुआत करते हैं महादेव के नाम से, हर हर शंभू हर हर महादेव। तो निकलते हैं फिर अपनी मंजिल की ओर, और करते हैं भाई बाय बाय हरिपर धार को, फिर आएंगे फैमिली को लेके। तो सामने भाई धूप भी आ चुकी है और हवा ठंडी है अभी, बाकी आगे चल के देखते हैं मौसम का हाल। और सामने भाई हमारे महादेव की मूर्ति है वो ऊपर, वहाँ पर हम कल नहीं जा पाए क्योंकि वहाँ पर स्नोफॉल हुआ पड़ा है काफ़ी, तो बाइक स्लिप कर रही थी तो हम वहाँ पर नहीं जा पाए। चलिए फिर आगे। तो कल हम इधर से आए थे नीचे से, और ये जा रहा है इधर कुपरी, तो यहाँ से आगे से शॉर्टकट जाएगा एक, बाकी चल के देखते हैं। यहाँ से कुपरी 26 किलोमीटर है, और हमें जाना है चूड़धार, तो बीच में से एक कट होगा तो वहाँ से लेते हैं ठीक है। और भाई नीचे तो अभी ऑफ रोडिंग है यहाँ पर, क्योंकि स्नोफॉल हुआ है, देख लो बर्फ यहाँ स्टार्ट हो चुकी है, और भाई ब्लैक आइस है नीचे, ब्लैक आइस। चलते हैं हौली हौली लेके इसको, ये देख लो भाई इधर बर्फ पड़ी है इधर। तो अभी यहाँ पर रुके हैं, और भाई भाई ऊपर जा रहा है बर्फ में खेलने के लिए। और इधर देख लो भाई ठीक है बर्फ पड़ी है, और व्यू चेक करें इधर सामने का, वो भाई ऊपर तक बर्फ है। ओ भाई नीचे आ जा, ये देखियो गाइस, बिल्कुल भाई देखो कैसी मुलायम बर्फ है भाई, बिल्कुल ताजी है, अभी हफ्ता पहले ही गिरी होगी ये। और उसको देखो भाई कहाँ घेर रहा है पूरा। तो अभी साफ रोड आ चुका है, और देख लो भाई जंगल है अभी, कोई नहीं है यहाँ पर सुबह सुबह, चारों ओर भाई घना जंगल है, देवदार के पेड़ भाई, और सामने देख लो हसीन वादियाँ, बहुत ही प्यारा व्यू है। और रोड तो भाई सिंगल ही जाएगा आगे तक, आप सब भाई एंजॉय करो व्यू को।
ये देखो भाई इधर छोटी सी रिवर है भाई, इधर इधर देखो इधर से आ रही है। चलिए आगे, ये भाई फिर ऑफ रोडिंग आ चुकी है, बीच बीच में भाई ऑफ रोडिंग है। और ये फिर आ गया भाई, रोड साफ, तो भाई एकदम कट आ जाता है आगे से, ये नहीं पता चलता भाई कौन आ जाए आगे से। खतरनाक है भाई, खतरनाक रोड। अगर भाई आप जब की तो दुर्घटना घटी भाई, इसलिए भाई सामने देखते रहो भाई और नज़ारे भी इंजॉय करो। ये देखो भाई गाड़ी आ गई, और कहीं इधर व्यू देखो भाई सामने का, इधर का कितना ही ब्यूटीफुल है। ऐसा व्यू भाई आपको शिमले में देखने को नहीं मिलेगा, तो भाई शिमला शिमला कुछ नहीं रखा भाई, ठीक है। एक बार इधर जरूर आके जाना, आपको जन्नत दिखेगी इधर आके। इधर देख लो भाई जन्नत है और नीचे भी खाई है भाई, तो ध्यान से आपको बाइक चलानी है या गाड़ी से आओगे, नहीं तो भाई जन्नत की ओर निकलोगे आप सच में। तो देखो भाई जन्नत है इधर नीचे, सामने भाई माउंटेन बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे हैं। ओहो ओह भाई बहुत ही ब्यूटीफुल है, और रोड देखो भाई कितना ही मस्त बना हुआ है, मक्खन रोड है मक्खन भाई। चलिए फिर आगे, तो भाई हमें वहाँ पर जाना है ऊपर। तो भाई से पूछा है, ठीक है इधर भाई बैठा है, इससे पूछा है भाई। तो अभी ये कौन सा गांव है? तरहा। तो तरहा पहुँच चुके हैं भाई, ठीक है। ये जा रहा है रोड, यहाँ से ऊपर बस भी जाती है वहाँ तक, ऊपर तक। तो ठीक है भाई, थैंक यू यार, चलो। तो अभी काफ़ी ऊपर आ चुके हैं, और भाई हमें इधर जाना, ठीक है। ये सब चूड़धारी चोटियाँ रही इधर ने, तो वो सामने घर दिख रहा है, वहाँ तक देखे चलते हैं बाइक। अभी बाइक को थोड़ा भाई रेस्ट करवाते हैं इसको भी भाई, काफ़ी ऊपर तक आ चुके हैं हम नीचे से भाई, ऑफ रोड था। इधर से आए हैं घूम घूम के भाई नीचे से, देख लो भाई इधर से आए हैं। बहुत ही भाई ख़तरनाक रोड है, और ऊपर भाई बादल हो चुके हैं, ये नहीं पता भाई कब बारिश हो जाए। तो निकलते हैं फिर आगे की और जल्दी से, और भाई चलें फिर, खड़े 5 मिनट अभी, पाँच मिनट रुकते हैं भाई, ठीक है फिर चलते हैं। अपनी बाइक इधर लग चुकी है, तो यहाँ से जा रहा है ट्रैक, ठीक है ऊपर चूड़धार के लिए। और यहाँ पर रुके हैं, ये भाई होम स्टे है यहाँ पर। तो अभी इधर आ चुके हैं, इधर से आए हैं हम रोड से, और एक भाई इधर से जा रहा है ट्रैक, और भाई चलते हैं इधर यहाँ से भाई, ठीक है ऑफ रोडिंग है, तो करते हैं ट्रैकिंग आज, देखते हैं भाई चूड़धार कहाँ तक पहुँचते हैं हम। और अभी टाइम भाई कितना हुआ है, 12 बज चुके हैं, 11:30 हुए अभी, 11:30 हो चुके हैं। चलिए फिर, तो अभी इस ब्रिज को क्रॉस करते हैं, और सामने भाई आंटी आ रही है, इससे पूछते हैं भाई रास्ता, ठीक है यहाँ से आ जा भाई। तो देखो भाई यहाँ से सीधा जाना है ऊपर चूड़धार के लिए हमें, और भाई जा रहा है, तो भाई थोड़ी सांस भी फूलने लग चुकी है हमारी। तो देखिए भाई कहाँ से रास्ता बना हुआ है, और इधर से भाई आगे चेक भाई, बादाम चने भाई और खिल्ला खाए हैं भाई पंजाब के और हरियाणा के गब्बरू। तो भाई अभी ब्रिज से थोड़ा ऊपर आए हैं, तो भाई भूख भी लग रही है, पहले खा लेते हैं फिर चलेंगे भाई ऊपर। तो अभी काफ़ी ऊपर आ चुके हैं, और यहाँ पर एक भाई गर्दी का है, ये भाई कैसे रहते होंगे यहाँ पर, और वहाँ पर कोई घूम रहा है भाई बंदा, कोई इधर है यार, एक डॉगी घूम रहा है उधर, और बादल भी आ चुके हैं। और अभी कुछ ऐसा ट्रैक है भाई आगे, तो भाई यहाँ पर रास्ता बंद है, यहाँ देखो खाई आ चुकी है भाई आगे। तो इधर से देखते हैं शॉर्ट शॉर्टकट यार, फिर पास ही है बिल्कुल, वो ऊपर एक कुछ दिख रहा है बना है, कूप बना है ऊपर, तो भाई चलते हैं इधर से, चलो भाई इधर चलते हैं ऊपर। तो अभी एक ऊपर घर दिखा है, यहाँ पर वो बच्चे घूम रहे हैं, तो भाई कैसे रहते हैं यहाँ पर ये लोग यार, हैं भाई अभी कैसे रहते हैं, है ना, कैसे भाई जिंदगी काट रहे हैं पर यहाँ। और इधर देख लो अभी, और भाई पहाड़ बिल्कुल हमारे बराबर ही हैं इधर सामने वाले, चलो फिर आगे। तो यहाँ से सामने का व्यू देखो भाई, जन्नत है यहाँ पर, जन्नत दिख रही है,
और इधर खेती हो रखी है, इधर घर है, यहीं पर भाई ये उगाते हैं और खाते हैं अपना भाई। देखो भाई कैसी लाइफ है इनकी, जन्नत भाई जन्नत। देखो बिल्कुल भाई ब्लैक है, और उधर भाई बच्चे खेल रहे हैं, और एक घर भाई वो बना ऊपर, वो आखिरी घर है। तो भाई तो देखते हैं भाई कहाँ तक जाते हैं आज, और बस भी स्टार्ट हो चुकी है भाई। रास्ता देखो भाई कैसे बना रखा है, और अभी जाना है भाई ऊपर, एक दो घंटा लगेगा अभी हमारा, भाई ने बताया पीछे। और भाई स्नोफॉल स्टार्ट हो चुका है, गिर रहा है भाई, ठीक है। तो भाई यहाँ पर स्नोफॉल स्टार्ट हो चुका है चूड़धार में, और देख लो भाई कैसा मौसम हो रहा है। अभी हमें वहाँ पर जाना है ऊपर, लास्ट घर बना हुआ है, तो भाई स्नोफॉल यहीं मिल चुका है हमें। आज की डेट 11 फरवरी है। तो भाई कैसा लगा यहाँ पर आपको? बहुत अच्छा। तो भाई हम तो नीचे से वापस होने वाले थे, तो हम हिम्मत करके यहाँ पर आ चुके हैं, तो बहुत ही अच्छा लगा हमें यहाँ पर आके। तो भाई देखो कैसे स्नोफॉल हो रहा है लाइव यहाँ पर, आज की डेट 11 फरवरी भाई, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करते रहो हमारे। तो यहाँ पर अभी कोई नहीं है हमारे बिना, हम दोनों भाई चूड़दार का ट्रैक कर रहे हैं इस मंथ में, फरवरी मंथ में भाई, ठीक है। वैसे ये ट्रैक मार्च में या अप्रैल में खुलेगा। और देख लो भाई बहुत ही अच्छा व्यू सामने का। काकू जी नमकीन खाई जा रही है भाई हरियाणा वालों की, ये लेके आया था भाई, और फ्रूटी पियेंगे। और अभी यहाँ पर रुके हैं भाई पेड़ के नीचे, स्नोफॉल लगी हुई है हल्की हल्की सी, तो पहले खा लेते हैं भाई, ठीक है। टाइम तो खाना भाई, 2 बज चुके हैं ना, डेढ़ बज चुका है भाई, ठीक है। भाई देखिए भाई ऊपर कितनी बर्फ गिर रही है, और स्नोफॉल भाई तगड़ा ही हो स्टार्ट हो चुका है। और भाई सांस चढ़ गया भाई, घर आ चुका है यहाँ पर, रुकते हैं। वैसे हमें वहाँ जाना है ऊपर, तो भाई अभी जल्दी चल भाई, ये अभी तो कोई नहीं जा सकते। अच्छा रास्ता बंद है ऊपर ना भाई, अभी बहुत बर्फ होगी, 7 फुट तक होगी ना। हाँ। 7 फुट तक। और भाई इतनी स्नोफॉल अभी लगा हुआ है देख लो, तो यहाँ पर खड़े हैं, छत के नीचे खड़े हैं भाई, ऊपर तो बहुत बर्फ है ना। हाँ जी हाँ हाँ दिख रही है, देखो ये। हाँ। भाई देखते देखते जमीन भाई नीचे व्हाइट हो चुका है सब कुछ, देख लो भाई अब थोड़ी और तेज हो चुकी है, तो हमें रात भाई यहीं पर रुकना पड़ेगा आज। हमें भाई क्या बोलते हैं भाई, तो भाई इंस्टाग्राम पे स्टोरियाँ डाल रहे हैं भाई, ठीक है, हमें वहाँ पर आप फॉलो कर सकते हो। ये भाई क्या बोलते हो, मम्मी को करो फोन यार। हाँ कर ले भाई, अपने घर फोन कर ले भाई, दिखा दे सबको भाई लाइव स्नोफॉल यहाँ पर। और भाई मैं मनालदा घूम के आया था, वहाँ पर मुझे भाई स्नोफॉल नहीं देखने को नहीं मिला था, तो यहाँ पर मिल गया देख लो भाई। और भाई हाँ हाँ भाई खाने में भी टेस्टी लग रही है भाई, बर्फ ताजी ताजा उसको देखो भाई पीछे, वो भी खा रहा है बर्फ। यहाँ पर बैठ के भाई कॉफ़ी बनाई जा रही है, एवरी डे का दूध है हमारे पास, और हमने गैस ऑन कर दिया अपना भाई। और अभी यहाँ पर हल्का हल्का स्नोफॉल चालू है, तो ठंड लग रही थी, सामान हम अपने साथ लेके आए हैं भाई खाने पीने का, तो भाई डाल दो इसमें दूध यार अभी। तो भाई कॉफ़ी डाल दी भाई इसमें, उबाली आ चुकी है, ऊपर उठा ले भाई, ऊपर उठा ले भाई, ऊपर उठा ले इसको। क्या आपके भाई बन गई भाई अपनी कॉफ़ी, लेते हैं भाई नज़ारे, और बिस्कुट निकालो भाई, ठीक है। तो भाई यहाँ पर कॉफ़ी पी जा रही है भाई, और सामने अभी चेक कर लो, अभी रुका है स्नोफॉल, तो उधर तो भाई अभी हो रहा है ऊपर। तो हमने यहाँ पर अभी अपना बैग रख दिया है, तो 1 घंटे के लिए ऊपर जा रहे हैं, तो देखते हैं ऊपर एक घर बना हुआ है वहाँ तक जाएंगे, हमारा 1.5 घंटा लगेगा अभी, तो चलें फिर भाई ऊपर चलते हैं ना, देख आते हैं। मौसम खुल चुका है अभी, तो यहाँ से देखिए कैसा ट्रैक है ऊपर जाने के लिए, जा रहे भाई आगे। हर हर शंभू हर हर भोले। तो भाई जा रहे भाई ऊपर, घर भाई पास ही है हमारे, ये भोले बाबा भाई हमारे अंदर हैं भाई, ठीक है, नाम लेके चढ़ते जा रहे हैं, खतरनाक भाई रास्ते हैं। तो भाई चलो आगे। तो भाई अभी सांस चढ़ चुका है, और देखो रास्ता कैसा भाई, इसे बोलते हैं भाई असली चूड़दार ट्रैक भाई। भाई ऊपर बैठा है, हो तो अभी टाइम 4:14 हो चुके हैं, और ये यहाँ पर लास्ट घर है, इसके बाद कोई घर नहीं है ऊपर। तो यहाँ से चूड़धार का जो ट्रैक है आगे 3 से 4 घंटे लगने वाले हैं आपको, पूरा फॉरेस्ट है आगे, यहाँ से रास्ता है, तो हम यहाँ से वापसी कर रहे हैं, तो इसी आगे नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर भाई छोटा सा बच्चा भी है एक, और एक आंटी थी भाई, तो वो बोल रही है ऊपर मत जाओ आप फंस जाओगे, तो चले फिर भाई नीचे ना, अपना ट्रैक यहीं पर तक ख़त्म है भाई चूड़धार का, चलो भाई नीचे भाई। तो अभी हमें वो सामने जाना है उस घर में, वहाँ पर रुकेंगे आज, और अपना बैग इधर पड़ा है यहाँ पर,
इसको देखो भाई कहाँ जाके बैठ गया भाई पत्थर के ऊपर और नीचे भाई एकदम खाई है। ओ भाई ये रिस्क हो सकता है तो उधर आ जा। तो भाई मेरे साथ आ रखा है घर से, कभी फिर घर वाले मुझे बोले इधर आ जा भाई। आ जा आ जा नीचे खाई है भाई एकदम। चक भाई मंच ले रहा है भाई, खाते हैं अभी चॉकलेट लिया भाई दो। तो भाई हमारा सामान यहाँ पर सही पड़ा है, हमें यहाँ पर अपने ये भूल गए थे भाई, ठीक है चने और बादाम यहाँ पर यहीं पर पड़े हैं, उठा ले भाई। देख यार कैसे देखा अंदर से वो सही है, मैं ढूंढ रहा था प्रेरणु। हाँ हाँ ये देखो भाई। ओके ओके तो चूड़दार ट्रैक हमारा यहीं पर समाप्त होता है और होप करते हैं कि आप सबको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को भी यहीं पर एंड करते हैं। बाकी पीछे का व्यू चेक कर लो और रात हम कहाँ पर रुकते हैं वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा, और ज़्यादा से चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में, अपना ध्यान रखना। बाय बाय गाइस बाय।